हैं कमोडिटी मार्केट की, यहाँ पर आज किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, हम थोड़ी देर में एक्सपर्ट को शामिल करने की कोशिश करेंगे। वो इनफैक्ट वो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, केडिया कमोडिटी से अजय केडिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो अच्छा, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो सोने चांदी पर रणनीति शेयर करिए, क्या करें यहाँ पर। कल हमने देखा कि यूएस के जो डेटा आए उसके बाद थोड़ी वीकनेस देखी, इन डेटा को आपने कैसे एनालिसिस किया और फिर आगे सोने चांदी की चाल कैसे देख रहे हैं आप, यहाँ से क्या और वीकनेस बढ़ेगी? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स इसको काफी सुस्त रेंज में चल रहा है, 102.60 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डेटा पॉइंट और जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो हमने रशिया में होते हुए देखा था, उसकी वजह से प्राइजेस के अंदर थोड़ा सा एक रेंज में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा। कल के सेशन में हमने यूएस से कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा अच्छा आते हुए देखा, न्यू होम सेल्स का डेटा अच्छा आते हुए, जिसके चलते सोने को कहीं ना कहीं एक दबाव झेलना पड़ा। तो मुझे लगता है मार्केट में एक दायरा ही मेंटेन रहेगा आज के सेशन में भी, जहाँ पे हम बिकवाली करके चल सकते हैं। तो आज के ट्रेड सेटअप के हिसाब से एमसीएक्स गोल्ड को 58,400 के करीब बेच के चलना चाहिए, नीचे में 59,900 तक के लेवल हम गोल्ड में मिलेंगे। वहीं चांदी की अगर बात करें तो जिस ढंग से बेस मेटल के अंदर गिरावट बनी थी, चांदी में भी ये दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा भी अगर बाउंस 69,800 के करीब मिलता है तो चांदी को बेच के चलना चाहिए। 68,850 तक के टारगेट हम चांदी में भी देख पाएंगे। ठीक है, तो ये है व्यू चांदी पर। इसके अलावा कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं वीकनेस, और कल तो 2% तक की गिरावट देखने को मिली, $72 के आसपास के लेवल्स भी आए हैं कच्चे तेल में। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, और करेक्शन दिखेगा मौजूदा स्तर से? देखिए एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि अभी भी काफी समय से हम कच्चे तेल को एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। बट जिस ढंग से कल के सेशन में हमने देखा कि लोअर डिमांड कंसर्न कंटिन्यू बना हुआ है, जो नंबर्स भी आए हैं इकोनॉमी के वो काफी खराब आते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते हमने दबाव बनते हुए देखा, तो टेम्पररी ये दबाव कंटिन्यू रह सकता है, बट फ्रीफॉल जैसी सिचुएशन नहीं। तो आज के लिए थोड़ा बाउंस आ सकता है, 5,680 के करीब बेच के चलिए, 5,500-5,520 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। ठीक है, तो ये है राय क्रूड पर, और यहाँ पर भी बिकवाली करके चलिए, 5,580 के लेवल्स अब यहाँ पर खुल रहे हैं, 5,600 के भी नीचे फिसल सकता है क्रूड ऑयल, तो इस पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा बेस मेटल्स में भी राय दीजिए अजय, क्या कहाँ मौके देख रहे हैं आप? जी, अगर पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो चाइना से जो कंसर्न थे उसके बाद प्राइजेस में काफी अच्छी गिरावट हमने पिछले दिनों में आते देखी है, बट कल के सेशन में लोअर लेवल पे प्राइजेस में कहीं ना कहीं सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है, डिस्पाइट के डॉलर इंडेक्स में हम थोड़ा बहुत बाउंस आते हुए दिख रहे थे। इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कॉपर और जिंक एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 715 पे कॉपर लेके चलना चाहिए 721 के टारगेट के लिए, जिंक को भी 213 के करीब लेके चलना चाहिए 210 के स्टॉप लॉस से, 218.50 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो जिंक अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिहाज से, कल थोड़ी रिकवरी आई थी मेटल्स बेस मेटल्स में, तो जिंक और कॉपर में खरीदारी करके चलिए। लेकिन सोने चांदी और कच्चे तेल तीनों में ही बिकवाली का ट्रेड की राय इस पर दी जा रही है, वीकनेस यहाँ पर थोड़ी और गहरा सकती है। तो गोल्ड में आप 58,100 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और 57,900, अगर वो भी टूटा तो 57,900 तक टूट सकता है गोल्ड। चांदी में भी आप 69,200, 68,850 के लेवल्स के लिए बिकवाली कीजिए, और क्रूड ऑयल में 5,580, 5,500 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़े।